लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा में आज पश्चिमी जिला परिषद जयशंकर सिंह उर्फ संग्राम सिंह सह शिक्षा पदाधिकारी हरेंद्र तिवारी ने आज औचक निरीक्षण किया। इसमें पाया गया कि स्कूल के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर जयशंकर सिंह उर्फ संग्राम सिंह ने बताया कि विद्यालय में कुछ कमी देखने को मिल रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक मौजूद न होने के कारण शिक्षक को बता दिया है। उन्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द सुधार कर दिया जाए, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के शिक्षक संजय कुमार के द्वारा बताया गया कि जो भी कमी हमें बताया गया मैं उन्हें अपने प्रधानाध्यापक को बता दूंगा और इस पर जल्द से जल्द काम कराने का काम करूंगा। जिला परिषद जयशंकर सिंह और संग्राम सिंह हमारे स्कूल में पहुंचे, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं, इन नियमों को जल्द से जल्द पालन किया जाएगा। R9 भारत, रामाशीष कुमार की रिपोर्ट, पाटन पलामू। संग्राम जी सर, हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया गया, विद्यालय में बच्चे सारे उपस्थित पाए गए। विद्यालय का कुछ भाग है जो टूटा फूटा है, जीर्ण अवस्था में है, उनको मरम्मत करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया। साथ ही यहाँ पर जो भी विभाग से फंड आता है वो सारे शिक्षक और प्रबंधन समिति के सारे सदस्यों के बीच पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया गया है जिला परिषद महोदय द्वारा कि आप वो सारा चीज़ पारदर्शिता के साथ रखिए, ताकि किसी भी शिक्षक से अगर हम पूछें तो वह जानकारी हमको पूर्णतः 100% प्राप्त हो जाए। कोई शिक्षक ऐसा नहीं कहे कि सिर्फ HM जानेंगे। आज अच्छा लगा, औचक निरीक्षण हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी इंट्रैक्शन मिला, BO साहब भी आए, उन्होंने इंट्रैक्शन दिया और बहुत चीज़ ज्ञान की बातें भी बताए और बहुत जो हम लोगों के साथ कमी था उनको सुधारने का भी उन्होंने निर्देश दिया। आज निरीक्षण करने में क्या प्राप्त किया? आज राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा में जो आज निरीक्षण हम और BO साहब दोनों को आए हुए थे और आज देखे कि बच्चे लोग अपने में खेल भी रहे, क्लास में भी हैं, कम से सब जो ठीक ठाक चल रहा है। और हमारे जो हेडमास्टर साहब थे उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे। और क्या कमी आपको दिखाई इस स्कूल में? कमी तो बहुत कुछ है, जो इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है प्रभारी प्रधानाध्यापक को और यह प्रथम कमी है और दूसरा बार जब आएंगे कमी न मिले इनको निर्देश दिया जा चुका है। और जो जो जैसे जैसे पैसे के बाद MDM जो भी स्कूल में पैसा राशि बट रहा है MDM के नाम में पैसा रहा है और कुछ लोग जो है सो 20 दिन के पैसा रख रहे हैं, कुछ 134 दिन रख रहे हैं, कुछ 206 दिन के बांट रहे हैं, उसमें भारी अनियमितता पाया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। हम बोले हुए हैं कि हम मुझे आप रजिस्टर चेक कराएं कि क्या आप गलत करने की सही कर रहे हैं, सर मान्य कर आप बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं। हमारे प्रधानाध्यापक उपलब्ध नहीं पाया गया, आज जो सो उनको समाचार पत्र समाचार के माध्यम से आपका न्यूज चैनल के माध्यम से उनको ज्ञात होना चाहिए कि ये सब न करें, आप अपने नियमित स्कूल आएँ और बढ़िया संचालित कराएं और जो मानक के अनुसार बच्चों को भोजन है वो भी कराएं। और त्रुटि बहुत चीज़ है और हम जब भी अगले बार विजिट करेंगे तो आपसे सारा बात करेंगे।